खाली रखे हैं ना। हाँ ये है, खाली ले गए ना, रखो रखो खाली रखो, रस ले जाओ, सब दिखाइए जहाँ जहाँ काम हो रहा है, रखो हाँ ले लो रस ले जाओ। आज 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 29 तारीख है, इधर से आके इधर से आके खाली, आज 29 हाँ 2022 है। लूट रहे जैसे लग रहा है, हम लोग खिलाएंगे नहीं तो। आओ भाई आओ, आओ भैया देखो ये बात, कहा जाए कम है, आसपास ही कहीं आओ। बंगाल का ढलान है ही है यहाँ पे, एक मिनट आओ पी ले तो भी डाले। आओ भैया ये हमारे कौशल तिवारी जी की जैन है, रस ले गन्ना ले गुड़ ले क्या पावे बंदर के लिए वो कर देना चाहिए, वहाँ हटो अब हट गए, अब किसी ने थोड़ा सा चना डाल तो बोतल हटाओ, काला काला बोतल देख के घर में बोतल देख के देव किसी ने इसके पैर में नहीं कोई घाव जैसे पी लो मिट्टी मिट्टी में ऐसे दिन हो गए बंदर चलाते हैं यहाँ मिट्टी में चलता है, हाथ में डालो बस बस ये काम तो लोग चना ले जाओ और यही मैदान में चना भी खा दो, चना ले जाओ लेकिन सब चना खाने लगेंगे क्यों बाबा जी, बाबा जी लगता कुछ हुआ जरूर आसपास यहाँ पे, कोई नेता आया हमको कोई खत्म वत्म हो सकता मुर्दा घाट पे आया हूँ, बोले रहे थे कुछ होने वाली नहीं पांच में तिथियां दिए हुए हैं अरे एसपी नहीं लेकिन वहाँ भीड़ है कुछ, हमको कोई खत्म वतम हुआ हो सकता है, ये हो सकता है सारे नेता अधिकारी इकट्ठा है, मुश्किल होता है, एक बार देखते हैं कोशिश करते हैं हाँ। अगर नहीं भीड़ बहुत ज्यादा हो फिर घुमाएंगे, तो आप पी नहीं रहे इसको ये नहीं है तो हम लोग फिर अंदर चले चलेंगे हाँ, देखते हैं अगर जगह उस तरह होगी हाँ। तो ठीक है नहीं फिर अंदर अगर इतनी भीड़ है तब तो मुश्किल है, अब कोई मंत्री ही जी है हाँ है नहीं, तो खैर गाड़ी बढ़ गई आगे हो सकता है निकल गया तो। तो फिर हमें बाबा लोग खाएं पंडित लोग खाएं मुंह में कैंसर पकड़ लेगा, नोट कर लो समझ गए, जो हनुमान जी का प्रारूप है उसको न खिलाएं, और जो हनुमान जी नहीं खा रहे हैं पत्थर के हैं कागज के हैं उनको हम खिला रहे हैं बनाम हम खुद खा रहे हैं, यही हमारे समाज में हो रहा है, देव 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 भागो मत भागो मत आओ आ जाओ आ जाओ, ये बहुत कम बन जा रहा है यार, कम है बाबा रस नहीं पी रहे हैं क्या बात है इनका, हाँ यही तो बड़ी मुसीबत है, ऐसे तो हमेशा पीते हैं आज पता नहीं कहाँ नहीं, नहीं हो सकता है भीड़ में काम आएगा इस रस को, गौशाला हाँ हाँ देखो देखो
ए अपने वीडियो बना देना चुपचाप। देखे छोटे छोटे रोटी टुकड़ा करके फेंकेंगे तू ये बच्चे उठा ए, ए, पा गया। दो दो पा गया रोटी में छोटे छोटे बच्चों को फिर थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर करेंगे छोटे छोटे ताकि बड़े एक दो चार उठा देंगे तब तक बच्चे उठा देंगे आगे नहीं जा जाएगी दूर दूर जगह देखे रखती है हाँ ये देख बस वो दादी आगे रुको मत उसको वही समझेगी कि हमारे लिए खतरा हो गया देखा उसको छोटी छोटी टुकड़ी करके फेंका छोटे बच्चों को ये जो छोटा क्या है दे उठा दे उठा दे अकाबा अकाबा देखा उसको नहीं पी रही है पी रही है ना आज है कम ऐसे रहते हैं हाँ बहुत एक बार आगे हल्का चल के देख लिया वहाँ हाँ तीर साल शमशान में भी चल के देख लेंगे अगर झील नहीं होगी तो कोई मंत्री ही जी आए हैं किसी उसमें पूरा प्रशासन अमला है सब हाँ क्या हाल है अंदर नहीं पूछा था क्या जाने के लिए क्या पूछे अंदर है जो आदेश नहीं जाने कौन था गेट गेट पे है वही महिलाएं हैं और गेट पे जो काम करने वाले लोग क्या बोले अंदर अलाउड नहीं है क्या बोले ये क्या है तो डर है फिलहाल गेट बंद करो नहीं कोई आके फोटो खींच ले बोल रहे थे तो वही बुरी हालात में होंगे सब वही पतली दुखी है सब है लेकिन ये है कि अंदर का पता और बुरा हाल हो वो तो बाहर वाली फिर ठीक दिखती हूँ अंदर वाला पता नहीं क्या हालत देखिए वहाँ जाके देखिए अब हौजा भरा जा रहा है खाली नहीं अभी खाली किए पानी था खाली करके चेंज कर रहे हैं जी बाबा देखिए यहाँ पर जो हमारे सिद्धार्थ जी ने 500 का हौजा खरीद कर रखवाया था उन महिलाओं ने देखा कि बाबा जी की गाड़ी आई है तो तुरंत हौजे को साफ के पानी करके भर रहे हैं तो एक तब तो वो परिवार हुआ अब देखिए वो इधर आओ आगा मत करो इधर खड़े रहो इधर हाँ अब ये बताओ ये आश्रम बड़ा है कि वो महिला बड़ी है महिला बड़ी इधर दिखाइए आप वीडियो ये आश्रम बड़ा है या महिला बड़ी महिला बड़ी है जरा ये देखिए एक बोर्ड लगा है जरा ऊपर लगाइए बोर्ड जरा करीब से बनाइए बड़ा कर दिया क्लोजअप में क्लोजअप में महाबली हनुमान धाम खड़ेश्वर बाबा आश्रम अब हमारा ये धाम महाबली हनुमान धाम जहाँ पर कि हो सकता है कि हमारी समाधि की जगह हमको मिले लेकिन मैं गलत नहीं बोलूँगा समाधि की जगह यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी देखो तिवारी ने कहा आप और गलमऊ क्षेत्र में जहाँ जाइएगा हम आपको देंगे कहाँ था ना तो अरे उस दिन जो आपके ऊपर वार हुआ था क्यों सिंह था एक बार इनका फोन आता और ये मालूम था कि बाबा जी हैं हाँ यार फोन तो करना चाहिए रहा। उस वक्त हड़बड़ी मुत्ता उत्तर इतना लगा बाबा जी हमको हम और न चढ़ाई चढ़ दे अब देखा कहाँ तुम भिड़े रहते हो हमेशा अरे हम तुमको डांट लेते ना लेकिन तुम्हारे दुश्मन के ऊपर तो बाबा जी चढ़ बैठते वो देखता कि हनुमान जी आके चढ़ गए क्या उसने सही बात बिल्कुल सभी लोग थे यहाँ पे सभी लोग थे अरे हड़कंप मच जाता वहाँ पर भैया अब लल्लू पंजू नहीं है अनशन करके मनमोहन सरकार को झुका दिया है समझ गए प्रधानमंत्री भी झुकाया है सोनिया जी से हाथ जोड़वाया है तब उन्होंने हाथ जोड़ के हमको मनाया है क्या इसको हम भूल जाएंगे तब ये है लेकिन होने की बात बड़े टुकड़े ना बड़े वाले पा जाते हैं छोटे छोटे करके डाले और दूर में फैला के डाले इसको अब क्या भर लिया जाए क्या इसको फिर रस रस ये रस को अब भरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी वही तो इस रस को
इस रस को उनके यहाँ एक थाली बर्तन मांग के कोई तखला उसला और रस उसी में डाल दिया, लो गोविंद सिंह जाओ इसको उठा ले जाओ। कहो भैया कोई तसला बाल्टी पुराना एक रख दीजिए ताकि बंदर गैया आके पी ले। हाँ गैया जरूर पी। देखिए हनुमान जी पीछे आ रहे हैं, वहाँ दिखाइए क्या लाल लाल दीजिए। ऐसे रहता बड़ा दल है यहाँ पे आज, लेकिन कब आ जाते हैं इस टाइम पे इस समय के बाद बस सुबह की टाइम ये गलती हो जाती है ना। सुबह अगर आए होते जी दिया। नहीं आप बोले ना जब चलना आराम चलो। नहीं चलना तो लेकिन हम 9 बजे आप बोले लेबर वाला था। हाँ वो लेबर वाला था, वो खैर 9:45 आया। उस समय भी अगर चल दिए होते या वही रस रख, वही रस रख दो। और सुनिए आप बल्कि वीडियो में थोड़ा इनका उत्साह बढ़ेगा, जाइए वीडियो में देख क्या आप लोग बड़े बाबा जी बड़े तसला टाइप कुछ भी होता। आज भीड़ कम है यहाँ। गन्ने का रस अभी अभी आगे एक पड़ता है 14 मिनट में कुंडू है। बंदर है नहीं आज, आज है नहीं, पता नहीं कहाँ गए। अभी ढाबा वाला पीछे रहा था क्या, बुला रहे हैं वो आज है। है नहीं नमका गाय भी आज, गाय भी नहीं। कोई तसला आपके यहाँ तो रख दो, उसमें बाद में निकाल आपके बाहर तो आएंगे पी ले। अच्छा नहीं हवदा में रहन दो, पानी ना मिक्स कर, पानी भरा रहन दो। मैं मीठा पानी हाँ डाल दो उसी हवदे में, डाल दो फिर बाबा जी क्या बोल रहे हैं आप सुन लो जाके क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा जी? कोई भैया हो तो निकाल दो बर्तन में दे दो से। गंदा खंदा ये मत देखा तो हमारे साथ, ये बंदर आखिर गंदगी में खाता कि नहीं सब। हमको यह है कि हमारे स्वार्थ रस बेकार न जाए। देखा दो पकड़ो पकड़ो सब बंदर पी लेगा, सब कूड़े का बंदर बिन बिन खाया कर पर ही मेरे देते हैं। और ये इसमें इतना कच्चा है वो खा ली रखो, खाली लाओ जल्दी लाओ, गगरी में हम रखेंगे। भैया चलो वो बिहारी भी आ गए। बिहारी जी, अरे भाई बिहारी आपके वो हाँ। अरे भैया गाड़ी पहचान से ले जरा था, आइए चलो। ये
करने के लिए डेंगर साहब बता है टंकी बनेगी। कब बनेगी? तब तक सिद्धार्थ सिंह चौहान साहब जो है ये क्या नाम वहाँ हौगी खरीद कर रख, उन लोगों ने उसका भरने का जिम्मा दिया है ना। एक बार बताओ, आश्रम में पानी पीने के बंदर के लिए नहीं जुगाड़ होगा, और नाम है महाबली हनुमान का, महाबली यही खा रहा है कि वहाँ बंदर को पानी न दिया जाए। अब असली हनुमान तो बंदरिय तो है, ये तो हम लोग मूर्ति बना के पूजा करते हैं। आप ही यहाँ के महंत जी जी, तो यही हमने भाई कहा था, तो सिंगर साहब ने कहा ओ कब टंकी बनेगी, क्या होगा भाई। देखिए बंदर, आप टंकी बनाएंगे तो बंदर आएंगे, आप टंकी नहीं बनाएंगे तो भी बंदर आएंगे, बंदर को आने आना है ना। और यही साकार की सेवा की जाती है, निराकार की सेवा थोड़ी की जाती है। तो यहाँ आना हुआ है तो अभी देखिए वहाँ उनके यहाँ रखवाए, अब हर तरह के आदमी होते हैं। अरे बसवंत कुमार देखो, हौजा पानी भरा हुआ है। अब आपके यहाँ को उधर दिखाइए, आपके यहाँ जो पानी ये निकलता है ना, ये पूरे सड़क को खा गया है। या पानी इसी आपके यहाँ ये कोने में क्या बना है, टट्टी बनी है, क्या बना है, बाथरूम बना है। बाथरूम का पानी देखिए पूरे सड़क को खा गया है ना, गड्ढा होता जा रहा है, रोज का रोज गड्ढा बढ़ रहा है। बंदर यही पीता है और सड़ा पानी, यही बाथरूम का पानी बंदर पी रहा है। तो हौदा मजबूरन वहाँ रखवाना पड़ा, आप लोग थे नहीं कि वहाँ थे, तो मतलब यह है कि जो वास्तविकता जो सेवा हो वो यहाँ करते। जब हनुमान जी को जाके खा रहे, देखिए जहाँ कोई आवे ना करके दिखाओ। ये बताइए, ये डिस्पोजल वाली थाली होगी आपके यहाँ दो चार को? अभी हाल में भंडारा हुआ है, अगर हो तो ही दो चार को हमको दे दीजिए, ताकि इसी में हम लाए हैं गलने गलत तो हम इसमें डाल दें कम से कम। ये तो अपने वहाँ पे है शायद, ये इंदिरा उद्यान के मंदिर के पास। हाँ हाँ, वहाँ ये रहते हैं। अच्छा, हाँ वहाँ ये रहते हैं, और ये बहुत बड़े मूर्ति है, तो हमेशा रहते हैं। हाँ ये तो आपको बड़ा है जो अनुसरण करते थे पहले। हाँ नहीं, पहले क्या, अभी करते हैं। देखो बुलाए आके खड़े हुए माना, लेकिन अब देखिए सवाल ये है कि अब सबके अलग अलग विचार हैं। अच्छा। अब इनको भगवान ने भेजा कि तुम खाली पत्थरे बनाओ जाके, तो इनकी आस्था पत्थरों में वो वहाँ बैठा है उसको। हाँ देर है, देर है, भुवन देर है, जी बन रहा है, पूरा बन रहा है। इसको खोलिए, खोलिए और गोली गोली बना के जरा डालिए इनको। वहाँ पे जाइए, बहुत कहाँ नहीं, हम सब जगह जाएंगे। नहीं हम बता रहे हैं। हाँ हाँ, हम सब जगह जाते हैं बेटा, मैं सालों से आता हूँ, मैं अभी शमशान में जाऊँगा। नहीं वो बड़े मठ के नीचे पर बहुत बंदर इस समय बैठा है, उनका अड्डा मालूम है। अभी वहाँ जाएंगे, पत्ते घाट जाएंगे, कई जगह करके स्नान करके उधर से निकल जाएंगे, और आज मौका होगा तो तिवारी जी से खड़े खड़े मुलाकात भी कर लेंगे। हाँ वो खुद छोटी गोली बनाओ, बोल बाहर बाहर सोचा मत करे यार, तुम सोचा करते सुनो रख। हाँ वो डिस्पोजल वाली आ जाए, सब रखती जाएंगे। हाँ देखिए तिवारी जी, कौशल तिवारी जी आपका गुड़ जो है खा रहे हैं, इतना धर्मात्मा आदमी है, तब उनके ऊपर उनको पूरा भरोसा है कि बड़े से बड़े संकट को हनुमान जी काट देंगे। देखिए कौशल जी आपका भेजा हुआ गुड़, ऐसे आमतौर से बंदर गुड़ वो खाता नहीं है, लेकिन ये तिवारी जी का प्रसाद है ना, तो कहेंगे कि देखो देखो दिखाइए क्या क्या सुंदर दृश्य लग रहा है देख के। हाँ गोली बना बना डालते रहो फटाफट फटाफट। ये इनके पास देखो, ये है स्वामी जी बैठे हैं भैया, ये स्वामी जी बैठे हैं भाई, ये देखो जय स्वामी जी, खाओ भाई दौड़ दौड़ के खाओ, दौड़ दौड़ के स्वामी जी खाओ। यहीं पर ये रस तो रख दें, अब रस हमेशा हम लोग थोड़ा डाला। हाँ बाजी, रस ना सुनिए, और कीप लेके आया था। हाँ, और ये वापस अगर हो कीप से भर लें, उसी में भर लेंगे। हम लोग रस तो कभी कभी पीते हैं, कभी कभी नहीं पीते। हाँ हम लोगों को तो जल्दी है यहाँ पर। हाँ बाकी रायपुर में कोई जल्दी नहीं रहती है। अरे भाई जब से हमने सिद्धार्थ जी जोड़े, अभी सारे बस 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 पूरा काम है, तो अभी आप कब तक रहेंगे? जा रहे अच्छा, क्यों सिंह साहब जी, नाम एक जन्म भूमि एक, यहाँ से कटे कटे का बताओ, हम आए हैं तो भी जा रहे हैं।
अच्छा ठीक है भैया, हमारा थोड़ा जुगाड़ बनवा दो, सिफारिश कर दो, अरे मरने के बाद एक ब्राह्मण किसी जगह पर दे दो बाबा, क्योंकि वो वहाँ रहने से बंदर लोग देखे आबादी बढ़ आप चाहेंगे कि हम रोक लें, आप रोक नहीं, बंदर को आप नहीं रोक सकते, अब या तो एक जगह जहर देकर मारा गया है, बंदर को जहर मारा गया ये हाहाकार मचा, अरे टीवी में देखो बम मचा है, भारत में देश में फिलीपीनों कहाँ टीवी देखा करो सब, हाहाकार मचा, बड़े पानी के बड़े तूफान के बम मचा है चारों तरफ, सही है सब, अगर ये बंदरों की अगर इसी तरह अनदेखी की गई तो पुतिन ओम पुतिन आए नमः स्वाहा, और जहाँ पुतिन ने बम फेंका बटन दाबा आणवे तहाँ पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, पुतिन ने है जो कह दिया था कि बम फेंको, उनके अधिकारी बात ही नहीं माने, लाओ आदेश नहीं माना उनके अधिकारी, लाओ 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 रख लाओ बंद लो गेट, ज्यादा ना खो जाओ बस थोड़ा थोड़ा रखो, अब बंदर ढूंढ आ जाए जो मेन काम, चलिए वरना आना बेकार चला जाएगा, हाँ सही बात है, देखो साथी का स्नान की कमाई के लिए तो देखो वह सफाई हो रही है जी, समझ गए, साथी का स्नान में जो मेला लगेगा जी, लाखों लोग आएंगे उसकी व्यवस्था हो रही है, अपने पेट के लिए दुनिया मर रही है, इनके लिए कोई नहीं सोच रहा, अब यहाँ पे टिक भी नहीं पाएंगे, फिर जब मेला होगा टिक भी नहीं पाएंगे सब यहाँ पे, ना यहाँ मेले के खड़े खड़े जाएंगे, बस एक दिन पहले हम लोग भले आमे एक दिन बाद या एक दिन पहले आना है आप ही को, रायबरेली में रहेंगे तो आइए, हाँ रहेंगे जरूर, डाल दो भवन थोड़ा ठीक, जब बाल्टी दिया उनका रोक दे बाबा, वीडियो फिर इसको रोक दीजिए, रोकना बंद ही कर दें, बंद कर दीजिए।